मैंने ये ब्रिंजल को मैंने धोकर लिया है, तो अभी इसको कट करेंगे। इसको मैं चार टुकड़ा करूँगा, बीच में से काटो और फिर एक बार। अभी आलू को भी काटेंगे, तो आलू का साइज मैं थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि आलू को टाइम लगता है और ब्रिंजल को उतना टाइम नहीं लगता है पकने के लिए। तो आलू भी रेडी हो गया अभी, तो अभी आलू को फ्राई करेंगे। आलू को टाइम लगता है पकने के लिए, तो मैं पहले आलू को फ्राई कर रहा हूँ। तो थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको पकाएंगे, और जब ये गोल्डन ब्राउन होगा उसको हम निकालेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा पोटैटो अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अभी मैं इसको निकालेंगे, उसके बाद में और ब्रिंजल को फ्राई करेंगे। ये मेरा आलू पक चुका है, अभी मैं ब्रिंजल को फ्राई कर रहा हूँ। तो अभी ब्रिंजल ऑलमोस्ट कुक हो गया है, मैं इसको निकालता हूँ। अभी गार्लिक जिंजर पेस्ट, ऑनियन और चिली पेस्ट, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, चिली पाउडर एंड सॉल्ट। अब इसमें आलू ऐड करेंगे जो पहले फ्राई करके रखा था। अभी ब्रिंजल ऐड करेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद ये रेडी हो। मेरा कार्य रेडी है अभी।